और वहां से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहां पे हालात खराब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज आप देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है, जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूं लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। 100 इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हकूमत का देना था, मईज एरियाज में 1 रुपया नहीं दिया गया, सारा टेररिज्म वहां पे दोबारा खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें कंसेशन दें, IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे, आपको जो शौक पूरा करना है आप पूरा कर लें।